दोस्तों, क्या आपने कभी सोच के देखा है कि अगर चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो क्या होगा? क्या सच में हाथी को इससे परेशानी होती है? बचपन में तो आपने वो कहानी सुनी ही होगी कि अगर एक चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो वो हाथी को भूत बना के रख देती है और हाथी की जान भी ले लेती है। और अगर हाथी की बात की जाए तो इसकी चमड़ी काफी मोटी होती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या चींटी सच में हाथी को काट सकती है या फिर सदियों से हम गलत सुनते आ रहे हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि हाथी की आंखें कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से वो दूर तक नहीं देख पाता है और चलते समय वो अपने सूंड से हवा छोड़ते हुए चलता है। हाथी की जो ऊपर की चमड़ी होती है वो इतनी मोटी होती है कि चींटी क्या कोई बड़ा जानवर भी स्क्रैच नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर हाथी के सूंड के अंदर की चमड़ी की बात करें तो वो बहुत कोमल होती है। चींटी के अलावा मच्छर मक्खी भी हाथी को तड़पा सकते हैं।